हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लेवन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बास्केटबॉल चैंपियंस लीग में, जो आज का मुकाबला आने वाला है TOF वर्सेस TNF के बीच, जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली केयर, कौन सा प्लेयर आपके लिए वेरेडली के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉली और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो मोस्टली आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, जे पॉइंट गार्ड के रूम में देखने को मिला TOF की तरफ से। आप अपनी टीम स्मॉली टीम में जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, जिन्होंने पिछले मैच में 33 के लिए पॉइंट कवर करके, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉली और ग्रैंड लीग के लिए होने वाले। तो आप अपनी दोनों टीम में इनको मौका दे सकते हैं एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में। पाको क्रूज के बारे में बात करें तो इन्होंने 33 के लिए पॉइंट कवर करके एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं, तो इनको आप अपनी स्मॉली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं TNF की तरफ से कैले विंटसर के बारे में, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं, 66 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके। तो आइए, इनको आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले दोस्तों। समोली लीग के प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के प्लेयर समोली लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर होते हैं, इसलिए रिस्की प्लेयर को हम अपने सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपके लिए फायदा होने वाला है। बात करते हैं अगर हम अगले सैसु सेलिन के बारे में, तो सैसु सेलिन को आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलिएगा। आप देख सकते हैं 41 के लगभग पॉइंट कवर करें, TNF की तरफ से खेलते हैं, तो आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीमें लेकर चलें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, तो ग्रैंड लीग में आपके पास ब्रैक उगरुलू, तो इन्होंने अभी तक इस लीग में इनका पहला मैच होने वाला है, TOF की तरफ से खेलते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में, आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चलेगा। समोली में इनको ट्राई मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि थोड़े रिस्की प्लेयर है, रिस्की प्लेयर को आप अपने ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। टाइलर आगे एलिस के बारे में बात करें, तो यह भी TOF की तरफ से खेलते हैं, इनका भी इस लीग में पहला मैच होने वाला है, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं, सिर्फ इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चले दोस्तों। ये ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं TNF के बारे में, तो सर्जियो के बारे में बात करें तो पिछले मैच में 10 के लगभग पॉइंट कवर करके थे, तो इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो इनका थोड़ा रिस्की प्लेयर है, रिस्की प्लेयर को आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। बात करते हैं डेजन टर्विक के बारे में, तो इन्होंने पिछले मैच में 12 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो इनको आप अपने ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में, तो की प्लेयर फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्मर के बारे में, तो पाको क्रूज आपके पास एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलेगा। एलिंगी कुक के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में बेस्ट ऑप्शन होने वाले। टॉमी स्लेव के बारे में बात करें तो एज ए पावर फोर्ड लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। जर्मी सिमंस के बारे में बात करें तो एज ए सेंटर के रूम में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं TNF की तरफ से, जॉन सेस्ट्रे आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड। सैसु सेलिन के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में चलेगा। वर्टिस के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में बेस्ट ऑप्शन होने वाले। डॉन कैरम्प के बारे में बात करें तो एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में जरूर लेकर चले, जो आपके लिए कोई लॉस नहीं होने वाला है। फ्रान गुरे के बारे में बात करें तो एज ए सेंटर के रूम में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इन दोनों टीमों में से इन TOF में से 4 प्लेयर और TNF में से 5 प्लेयर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में विजन एलियन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन एलियन को डाउनलोड कर ले। विजन एलियन को क्यों डाउनलोड कर ले, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ आपको विजन एलियन दे सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन पर जाकर विजन एलियन को भी डाउनलोड करें। एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है और विनिंग प्राइज बहुत अच्छा है, तो अभी डाउनलोड करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन पर जाकर विजन एलियन और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में, बैक उगलू के बारे में बात करें तो इन्होंने एज पॉइंट गार्ड के रूम में पिछले 2 मैचेस में 32 के लगभग पॉइंट कवर करके। पाको क्रूज के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 36 के लगभग पॉइंट कवर करके। इगिट अर्सलान के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 24 के लगभग पॉइंट कवर करके। एल्किन कुक के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 18 के लगभग पॉइंट कवर करके। टॉमी स्ला के बारे में बात करें एज ए पावर फोर्ड के रूम में 27 के लगभग पॉइंट कवर करके।
तो TOF की तरफ से दोस्तों है बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं पांच प्लेयर। तो आप जितने ज़्यादा उसके TOF के ज़्यादा जीतने के चांसेज हैं, तो TOF में से एक दो प्लेयर ज़्यादा पिक करके चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब बात करें TNF की तरफ से, TNF की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में जॉन शास्त्री ने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 21 के अलावा पॉइंट कर करके, डोरने कैंप के बारे में बात करें एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में 20 पॉइंट कर करके, सेमर मेडिनी के बारे में बात करें एज ए सेंटर रूम में 31 के अलावा इन्होंने पॉइंट कर करके, तो ये तीन प्लेयर आपको पास है TNF की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो पार्क को आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन आने वाले TOF की तरफ से, वो शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं तो इनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। एल्किन कुक के बारे में बात करते हैं एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 18 के अलावा पॉइंट कर करके, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आने वाला है। टॉमी स्लाह के बारे में बात करते हैं एज ए पावर फोर्ड के रूम में TOF की तरफ से खेलते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। सलून के बारे में बात करें जो TNF की तरफ से एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं होर्टिस के बारे में, तो होर्टिस को भी आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड और कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं आने वाला है। स्क्वाड के बारे में बात करें, स्क्वाड में दोस्तों अगर वीडियो के हर एक प्लेयर के नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें क्योंकि इनमें से आपके प्लेइंग एट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीम में से 8-8 प्लेयर पिक कर लिए दोस्तों, यानी कि हमारे हिसाब से दोनों टीम में आज प्लेयर खेलने वाले हैं। बाकी हम आपको लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम से हमसे जरूर जुड़ जाएं। अब हम बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में एनिस को मौका दे सकते हैं। TOF की तरफ से खेलते हैं शास्त्री, आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड देखने को मिला। TNF की तरफ से इनको भी आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, सलीन और गुरुलू आपके पास बेस्ट ऑप्शन शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, सोजन नोविक आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, विल्टजर आपके पास एक अच्छा खासा और ये सर बेस्ट ऑप्शन पावर फोर्ड के रूम में होने वाले। सेंटर के बारे में बात करें, सर मार्डनी आपके पास बेस्ट ऑप्शन सेंटर के रूम में होने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, कैप्टन आवर इंडिया में विल्टजर को लेकर चले और वाइस कैप्टन ओगुरलू को लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते।